हेलो फ्रेंड्स, माय स्पेशल डिश में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तुर दाल की आमटी। ये महाराष्ट्र की ऑथेंटिक डिश है। तो आइए देखते हैं तुर दाल की आमटी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तुर दाल की आमटी बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम तुर दाल, एक बड़े साइज का टमाटर, थोड़ी सी इमली, थोड़ा सा गुड़, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, एक ग्लास पानी। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच तेल, अदरक और लहसुन जिसे मैंने रफली क्रश करके लिया है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कुछ कड़ी पत्ते और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से काट लिया है, आधी छोटी चम्मच सरसों और आधी छोटी चम्मच जीरा। तो अब हम आमटी बनाने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तुअर की दाल को हम पानी से अच्छे से साफ कर लेते हैं और 1 गिलास पानी के साथ यहाँ पे इसे उबालने के लिए रख देते हैं। तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करते हैं और इसे एक बार अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच तेल ऐड करते हैं। तो अब हम कुकर का ढक्कन जो है वो लगा लेते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पे इसे 5 सीटी आने तक हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। 5 सीटियाँ लगने के बाद प्रेशर कुकर को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो एक बार इसका वेसल उठा के चेक कर लेते हैं और फिर इसका ढक्कन जो है हम सावधानी से खोलते हैं। तुअर की दाल अच्छे से गल चुकी है तो एक बार हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये दाल जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसे तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए एक पैन को हम गैस पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। पैन के गर्म होते ही इसमें हम तेल ऐड करते हैं। तेल जो है वो गर्म हो गया है तो अब हम इसमें ये सरसों डालते हैं। ये जीरा हम इसमें डालते हैं। सरसों और जीरा फ्राई हो गए हैं तो यहाँ पे हम अदरक और लहसुन को डालते हैं। और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और लहसुन के फ्राई होने के बाद अब हम इसमें करी पत्ते और ये हरी मिर्च डालते हैं और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारा तड़का है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें तुअर की दाल को डालते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी और इमली का पानी जो है इसमें मिक्स किया था। यहाँ पे ये हम गुड़ इसमें डालते हैं। अब हमें इसमें अच्छे से उबाल आने देना है। तो ये जो आमटी है हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारी महाराष्ट्रियन आमटी है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी, बॉइल्ड राइस या जीरा राइस के साथ खा सकते हैं।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर क्लिक करें। उससे मेरे आने वाले नई वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।